मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दिए बिना प्रदेश और देश के विकास की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन बीते 18 सालों में शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की ऐसी खराब हालत की है जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा है। शिवराज सिंह की सरकार ने बच्चों की यूनिफॉर्म्स वितरण में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, स्कूल भवनों के निर्माण में कमीशन का खेल कर मानो एमपी की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने इस विकट स्थिति में ध्यान दिया और मध्य प्रदेश के भविष्य को बर्बाद होने से बचाने के लिए लाए हैं पढ़ो और पढ़ाओ योजना। विश्व की सबसे बड़ी इस छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों को 500 रुपए प्रति माह, कक्षा नवीं से कक्षा दसवीं तक के छात्रों को 1000 रुपए प्रति माह तथा 11वीं और 12वीं के छात्रों को 1500 रुपए प्रति महीना छात्रवृत्ति दी जाएगी। इससे न केवल छात्र स्कूल जाने को प्रेरित होंगे बल्कि उनके अभिभावकों को भी महंगाई के इस दौर में एक बड़ी वित्तीय सहायता मिलेगी। बच्चों को मिले अच्छी शिक्षा, बेहतर कल और आर्थिक संबल, यही है कांग्रेस और कमलनाथ जी का संकल्प।